दबंग सलमान खान 10 कदम के सीजन 2 को लेकर आ रहे हैं। खबर है कि 10 कदम के सेट पर पहले दिन कोई और नहीं बल्कि रेस्त्री की टीम शिरकत करने वाली है। जी हाँ, पहले दिन ही शो पर रेस्त्री की पूरी टीम होगी। उम्मीद है कि पहले दिन ही शो का एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। खबर है कि अपकमिंग फिल्म कलंक के सेट पर आलिया भट्ट वरुण धवन से परेशान हो गई हैं। कहा जा रहा है कि वरुण ने तो आलिया की नाक में दम कर दिया है। दरअसल फिल्म के सेट पर दोनों जमकर मस्ती करते हैं, ऐसे में वरुण आलिया को खूब परेशान करते रहते हैं, साथ ही उनकी खूब टांग खिंचाई करते हैं। प्रिंस हैरी और अमेरिकी एक्ट्रेस मेगन मर्किल की शाही शादी के चर्चे इस वक्त हर तरफ हो रहे हैं। शादी का हिस्सा बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा भी रही। पिंकी चॉप्स ने शादी के बाद रिसेप्शन में बेहद ही प्यारा गाउन पहना, जो उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। दीपिका पादुकोण ने पद्मावत के बाद से कोई फिल्म साइन नहीं की है। खबर है कि दीपिका के कोई और प्रोजेक्ट साइन नहीं करने के पीछे वजह है उन्हें ऑफर किए जा रहे रोल्स की क्वालिटी। खबरों के मुताबिक दीपिका किसी अच्छे ऑफर का इंतजार कर रही है, इसलिए अभी उन्हें जो भी ऑफर्स मिल रहे हैं वो उन्हें रिजेक्ट करती जा रही हैं। खबर है कि राजकुमार हिरानी संजय दत्त की बायोपिक में आमिर खान को लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि आमिर खान फिल्म में सुनील दत्त का किरदार निभाए, लेकिन आमिर खान ने दंगल फिल्म के चलते राजकुमार हिरानी को ना कह दिया था। वहीं खबरों की माने तो आमिर दंगल के बाद कोई दूसरा उम्रदराज किरदार नहीं निभाना चाहते थे। रणबीर कपूर की आने वाली 4 फिल्मों पर बॉलीवुड ने 400 करोड़ का दाव लगाया है। जी हां, उनके पास संजय दत्त की बायोपिक संजू है, जिसका बजट 100 से 110 करोड़ रुपए है। वहीं ब्रह्मास्त्र पर 100 करोड़ रुपए लगे हैं, शमशेरा में 120 करोड़ रुपए और अजय और रणबीर के अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट पर 70 से 80 करोड़ रुपए लगे हैं। इस हिसाब से उन पर 400 करोड़ लगे हुए हैं। अपने लीडिंग इंटरव्यू में राजकुमार हिरानी ने अपने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी है। राजकुमार हिरानी ने बताया कि उन्होंने मुन्ना भाई सीरीज की तीसरी फिल्म पर काम शुरू कर दिया है, जल्द ही इसके बारे में वो आधिकारिक घोषणा करेंगे। अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में आलिया ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इंटरव्यू में आलिया ने बताया कि 25 साल की होने के बाद आजकल वो बच्चों के नाम सोचने लगी हैं। आलिया का कहना है कि वो अब बच्चों के नाम पर गौर करती है और उन्होंने 2 से 3 नाम चुने भी हैं। हाल ही में श्रीदेवी के एक फैन ने बोनी कपूर को सरप्राइज कर दिया। दरअसल पुणे की टोनू सुजातिया ने अपनी पूरी कार पर श्रीदेवी की तस्वीरें प्लास्टर करवाई हैं। इस कार को लेकर वो पुणे से मुंबई बोनी कपूर से मिलने की आस लेकर आई। फैन की तरफ से श्रीदेवी को अनोखी श्रद्धांजलि देख बोनी कपूर सरप्राइज हो गए। उन्होंने भी फैन को बिल्कुल निराश नहीं किया और उनसे मिले भी। ऐश्वर्या राय बच्चन ने हाल ही में इंस्टा में डेब्यू किया है। उनको लाखों लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है, लेकिन ऐश ने किसी को भी फॉलो नहीं किया है, यहां तक कि पति अभिषेक बच्चन और ससुर अमिताभ बच्चन को भी नहीं। ऐश्वर्या राय बच्चन की ये बात जानकर हर कोई हैरान है।